अच्छा कश्ती वाला झूला ले रही हूँ अभी ना फाइनली मैं जो है दुबई जा रहा हूँ। ये बेगम साहिबा यहाँ पे बैठी है और इनको लेके जा रहा हूँ। कुछ लोग जब पूछ रहे थे बेगम के बगैर जा रहे, नहीं भाई साथ जा रही है। और सारी बोटिंग वगैरह क्लियर हो गई, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अभी खाना खाने लगे हैं। यहाँ तक की वीडियो देख लो, बाकी आगे की आपको बाद में दिखाता हूँ। साथ साथ भी तो मैं खाना खाने लगा, भूख लगी है VIP। अच्छा यार, हम लोग एयरपोर्ट पे यहाँ पे आ गए हैं और चेक इन करते हैं, उसके बाद बाकी बातें आपको मैं बताऊंगा सारी। अच्छा यार, अभी एयरपोर्ट से यहाँ पे भूख लगी है, हम कुछ खाने लगे हैं। बेगम साहिबा को लगी हुई थी भूख, तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। ये दो बर्गर हैं, अल्लाह करे कि इनके बर्गर होम मज़े के खाए जाएँ। और लास्ट टाइम वैसे मैंने यहाँ से फ्राइज़ ली थी, काफ़ी मज़े की थी जब लास्ट टाइम मैं दुबई जा रहा था, अब देखते हैं। अच्छा यार, फाइनली हमारा फूड यहाँ पे आ गया, ये बर्गर है, खा के देखेंगे एयरपोर्ट के बर्गर कैसे लगे हैं, साथ पेप्सी और फ्राइज़ वगैरह। या तुम लोग यकीन करो ना करो, जिंगर बर्गर के नाम पे मैं पकोड़ा दे दिया इन्होंने, खैर लेकिन इनका कहना है कि हमारा जिंगर बर्गर सबसे बेस्ट है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, खाते हैं इस पकौड़े को। यार खाना वगैरह खा के बिल्कुल फ्री हो गए हैं। बेगम साहब का कहना ये है कि यार बहुत छोटा सा प्लेन लग रहा है, प्लेन छोटा ही होता है, यहाँ से खड़ी देख रही थी प्लेन वगैरह और मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। फर्स्ट टाइम ट्रैवल है ना, डर लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने में? यार यहाँ पे ना लंबी लंबी लाइंस लग चुकी हैं जाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में जाता हूँ, जहाज़ पहले तो उड़ नहीं जाएगा इनको लेके, तो इसलिए इन लाइन को अवॉइड करो, बैठे रहा करो, एंड में जाया करो। प्रो टिप दे रहा हूँ भाई। यार 5 मिनट के अंदर पूरी लाइन चलेगी। बेगम मेरा इंतजार कर रही थी, मैं ज़रा वॉशरूम गया था फ्रेश होने के लिए, मैं मुँह हाथ वगैरह धो लूँ और इतनी जल्दी सब गायब भी हो गए। और आपको क्या है, इधर तो घूमी जा रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं, बस चेकिंग करते हैं अभी सामान देखो हमारे इतने। अच्छा एक और टिप देता हूँ, जो लैपटॉप के बैग्स होते हैं ना वो उनका वेट काउंट नहीं होता, तो ये लैपटॉप वाला बैग करके और सामान डाल के ले आओ, वो उसमें मेरा लैपटॉप है, इसमें सामान और डाला है। और कौन सी फाइल निकालूँ? हाँ जी वो तो निकाल लें इस बैग में। ओके ओके बेगम, क्या हो गया आपको, लड़ क्यों रही हो? फाइनली हम लोग जहाज़ के अंदर इंटरफोन लगे हैं, वहाँ पे भी लाइन है थोड़ी सी, अभी भी मेरा प्लान थोड़ा सा जल्दी में आ गया। बेगम ने करवाई जल्दी करो करके। हाँ जी, एक तो हैंड कैरी मैं ऐसी ले आया हूँ, अल्लाह कैसा जलील हो गया मतलब उठा के, दूसरी ले गया था वजन ज़्यादा था, मैंने कहा निकाल के इसमें लिया और इसमें ये हाल हो गया। और ये फाइनली लाइन है भाई यहाँ पे। लो जी बोर्डिंग पास मैंने बेगम को दे दिए, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, हो गई चेकिंग। और तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यार, और उसके बाद सीन ऐसे के फर्स्ट टाइम फीलिंग कैसी हो रही है। विंडो सीट मैंने बेगम को दे दी, फर्स्ट टाइम किसी को दी है मैंने विंडो सीट, ये मेरे बात याद रखना। सीट बेल्ट पहन लो तो टाइट भी करता। ये देखो मेरा बांध लिया, मेरा वाला बेल्ट खुद बांध लिया, काम देख लो। क्यों मुझे मारना चाहती हो आप, हैं निकाल के दो मेरा बेल्ट, मैं देखा हूँ पिता, यहाँ से खोल लो ना इसको। थोड़ी सी उल्टी सीधी हरकतें हो जाए, लाइट ऑन। वैसे उसको बुलाने के लिए ये दबाना पड़ेगा, सॉरी ये फिर आएगी, वो ये दबाना नहीं है। हाँ लाइट है तो ऑन ऑफ करूँ ज़रा थोड़ी सी। हाँ जी बाकी ये सीन है कुछ। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वहाँ पे ना लड़की, और नीचे कहाँ चली गई, ऊपर होगी तो। अच्छा ये बेगम कह रही है कि हमें बातों में लगा के जहाज चला लिया था हमें अभी ना। हाँ अभी जहाज ने मोड़ काट दिया, तो बेगम कह रही है इसलिए अभी मोड़ कर, इसने ट्रक ने काट दिया, अब रेडी हो जाओ बेटा। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब उड़ा है, अब हवा में क्या फील हो रहा है? कश्ती वाला झूला ले रही हूँ। मैंने कहा डरा की कहती, मुझे मजा आ रहा है, कश्ती वाला झूला ले रही हूँ, काम देखो। ऐसे स्ट्रेट ऊपर को जा रहा है, मुझे आज पता नहीं क्यों डर लग रहा आपके साथ बैठ के, तो वैसे नहीं लगता डर, मुझे डर आप रहे हैं, आप कश्ती वाला झूला जो ले रही हो, बहुत डर लग रहा है। नौटंकी मैं बंद कर रहा हूँ, फायदा।
दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर भाई हम लोग आ गए हैं और वेदर काफ़ी मज़े का लग रहा है, गर्म नहीं लग रहा है इसका। आ जाओ आ जाओ, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक बैग वाली चेन चली नहीं है तो उठाएंगे कहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा फाइनली बैगेज भी क्लेम हो गया। और यार सीन ऐसा, जब भी एयरपोर्ट पर आना कोई ना कोई चीज़, ये देखो अब यहाँ से ये तोड़ दिया इन्होंने, ये तोड़ दिया, मतलब इस तरह कोई ना कोई चीज़ तोड़ ही देते हैं। खैर अब जब मेरा फ्रेंड पिक करने के लिए आ रहा है तो वही पहुँचने वाला होगा और चलते हैं बस। खैर ये बाहर से एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी बड़े स्केल पर बना हुआ है और रोशनी बाहर हो गई है, इतना एक्सपेक्टिंग है। बाकी बैगेज वगैरह क्लेम करके आ गए हैं, वेट कर रहा हूँ फ्रेंड का, बेगम साहिबा जो है वो कुछ ब्रेकफास्ट में अकेली अकेली खाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो आपने दिया भी नहीं। कल आपने मुझे दे चाय रात को, जब आप अकेले अकेले वे भी खा रही जा रही मौज में, अकेला खा रही देखती रही फिर बार मुझे कहने खा। ऑलराइट फाइनली जेबी इज हियर टू पिक मी अप। आ जाओ जेबी भाई। यार इस गाड़ी की ग्रेस अपनी लगती है कसम से, मैंने अपने व्लॉग चैनल पे पूरे इसकी रिव्यू डाली हुई है वैसे। और जेबी भाई ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। और जेबी भाई तो नहीं, बस ये है कि एयरपोर्ट जो उन्होंने कर दिया ना डाइवर्ट, इतना दूर, कितना दूर था? 70 किलोमीटर। ओए होए होए, उधर वो एयरपोर्ट हमारे घर के बिल्कुल साथ ही, जहाँ पे हमारे घर था, तो अब जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। खैर चलते हैं सीधा अभी अदनान की तरफ जाना है सबसे पहले ना, अदनान ने बोला कि सबसे पहले मैं। ये जी ड्रैगन मार्ट आ गया यहाँ पे और ड्रैगन मार्ट के साथ ही अदनान का घर है। कमेंट सेक्शन में बताओ किसी ने लोकेशन चाहिए तो मैं यहाँ बता दूंगा आप लोगों को उसकी लोकेशन। फाइनली अदनान इज हियर। अदनान घंटा रुको भाई, अदनान इज हियर। लेकिन भाई ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि दुबई में पहला दिन है, पूरे मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं अभी डाल दूंगा पूरी वीडियो, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, कट करते करते मुझे बहुत सारे सीन काटने पड़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और कल का जो व्लॉग होगा उसमें मेरा फर्स्ट डे जो दुबई में आया वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो प्रॉपर एक्सपीरियंस आएगा। खैर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वो कल नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, या हो सकता है मैं 1-2 घंटे के अंदर डाल दूँ, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग डाल दूँ, तो ये सीन है। बाय बाय।